मी बैंड 6 का सक्सेसर मी बैंड 7 होने वाला है, और अभी आपको पता है कि कुछ महीने पहले ही मी बैंड 6 इंडिया में लॉन्च हुआ है, लेकिन मी बैंड 7 भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आगे मैं आपको बताऊंगा। यहां पर दोस्तों इसके कुछ फीचर्स लीक हुए हैं। बेसिकली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मी बैंड 7 में कौन से आपको अपग्रेड देखने को मिलेंगे मी बैंड 6 के कंपैरिजन में, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो आपको भी पता चल जाएगा कि बेसिकली जो मी बैंड 7 है ये बहुत रिफाइंड डिजाइन के साथ आपको मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ पता चलने वाला है मी बैंड 7 के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि मी बैंड 7 जो है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर में बेसिकली पता चला है कि मी बैंड 7 आने वाला है। Xiaomi का कोई एक फिटनेस सॉफ्टवेयर है जिसमें एक अपडेट आया, उसमें पता चला कि मी बैंड 7 आने वाला है, और उसके बेस पर जो डेवलपर्स हैं वो बता पा रहे हैं कि मी बैंड 7 में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डिजाइन को लेके। तो इस बार जो डिजाइन है वो बताया जा रहा है टोटली चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो मी बैंड 4, मी बैंड 5 और मी बैंड 6 का जो डिजाइन है 98% आप सिमिलर बोल सकते हो, सिर्फ डिस्प्ले को बड़ा किया गया है, बाकी डिजाइन वाइज बहुत ही सिमिलर, ये तीनों ही फिटनेस बैंड होती हैं। पर मी बैंड 7 में पूरा आपको न्यू डिजाइन देखने को मिलेगा। जैसे आपने अभी देखा होगा Huawei बैंड 6 है, Honor बैंड 6 है, Realme बैंड 2 है, या फिर Redmi की स्मार्ट बैंड प्रो जो भी इंडिया में लॉन्च हुई, कुछ इस तरह से आपको डिजाइन जो है वो मी बैंड 7 का देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल न्यू डिजाइन आपको देखने को मिलेगा मी बैंड 7 के अंदर में, और जो डिस्प्ले बताई जा रही है वो मी बैंड 6 के कंपैरिजन में आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। मी बैंड 6 में 1.56 इंचेस की डिस्प्ले है, और इसमें आपको मी बैंड 7 में उससे बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। डिस्प्ले साइज अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चला कि कितनी बड़ी डिस्प्ले होगी, लेकिन जो इसका रेजोल्यूशन है वो डेफिनेटली यहां पर क्लियर हो गया है। मी बैंड 7 में जो रेजोल्यूशन होने वाला है स्क्रीन का वो 192x490 पिक्सल्स का होने वाला है, और इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिलेगी। वैसे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मी बैंड 6 में ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, पर मी बैंड 7 में बताया जा रहा है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होगा, और बहुत से वॉच फेसेस ऐसे मिलेंगे आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करेंगे। तो आप डिस्प्ले साइड से भी बोल सकते हो कि बहुत बड़ा आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा, खास करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और बड़ी डिस्प्ले आपको मी बैंड 7 में देखने को मिल सकती है। इसके बाद में जो दूसरा फीचर बहुत लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है वो जीपीएस को लेके है। तो बताया जा रहा है मी बैंड 7 में आपको बिल्ट इन जीपीएस भी देखने को मिलेगा। करंटली मी बैंड 6 या फिर उसके नीचे के जितने भी फिटनेस बैंड है आपको बिल्ट इन जीपीएस नहीं मिलता है, पर मी बैंड 7 में बिल्ट इन आपको जीपीएस भी देखने को मिल सकता है, ऐसा पता चल रहा है। यहां पर जो दूसरा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा वो एक नया फीचर है स्मार्ट अलार्म बोल के। मी बैंड 7 में स्मार्ट अलार्म जो फीचर है ये काम कैसे करेगा, मान लीजिए आपने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया हुआ है और आप लाइट स्लीप में हो तो आपको आधे घंटे पहले ही अलार्म बज जाएगा। अगर आप लाइट स्लीप में हो, डीप स्लीप में हो, तो ये पूरा आपका 6 बजे अलार्म बजेगा, लेकिन लाइट स्लीप में ये आपको आधे घंटे पहले ही बताने वाला है। तो ये बेसिकली आपके फिटनेस डेटा को एक हिसाब से ट्रैक करेगा, उस हिसाब से डिटेक्ट करेगा कि आपको आधे घंटे पहले इन्फॉर्म करना है या फिर नहीं। तो ये एक स्मार्ट अलार्म बोल के मी बैंड 7 में एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है मी बैंड 7 में, और जो पावर सेव मोड है वो पहले से और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा, जिससे ज्यादा देर तक आपको बैटरी बैकअप मिले। बेसिकली सारे सेंसर डिसेबल हो जाएंगे पावर सेव मोड में, नोटिफिकेशन डिसेबल हो जाएगा। तो ऐसे कंपनी कुछ काम ऐसे करेगी कि जिससे आपको पावर सेव मोड में ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल सके। और एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि इस बार जो मी बैंड 7 है ये मी फिट ऐप से कनेक्ट नहीं होगी। इसका जिप ओएस जो आपने अभी नॉर्मली Amazfit की स्मार्ट वॉच जो रिसेंट इंडिया में लॉन्च हुई है वो जिप ओएस पे है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मी बैंड 7 भी जिप ओएस पे हो सकता है, या फिर जिप के ही सॉफ्टवेयर के साथ ये कनेक्ट होगा। शायद से मी फिट जो ऐप है जिसके थ्रू फिटनेस बैंड करेंटली MI के कनेक्ट होते हैं, उनके थ्रू मी बैंड 7 कनेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा भी बताया जा रहा है इस वाले मी बैंड 7 के बारे में। और मी बैंड 7 में आपको कुछ न्यू जो है वर्कआउट्स मोड भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये कुछ अपडेट्स आ रहे हैं मी बैंड 7 से रिलेटेड। अगर आप देखते हो तो बहुत कुछ आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी मी बैंड 7 में, खास करके डिजाइन और डिस्प्ले को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और GPS भी आपको इसमें बिल्ट इन देखने को मिल सकता है। तो ये कंप्लीट फिटनेस बैंड आप बोल सकते हो, लेकिन यहां पर जो प्राइस है वो 5,000 रुपीज के आसपास पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ सोर्सेज और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। क्योंकि 3,500 रुपए में मी बैंड 6 है तो उससे महंगी मी बैंड 7 होगी, क्योंकि फीचर्स ज्यादा आ रहे हैं। तो ये 5,000 रुपीज के आसपास मी बैंड 7 होने वाली है। और अगर लॉन्च की बात कर लें तो बताया जा रहा है कि मार्च एंड तक ये चाइना के अंदर में लॉन्च हो सकती है, देन अगस्त या फिर अक्टूबर तक ये इंडिया में भी आ सकती है। तो अभी फिलहाल दोस्तों ये जो भी फीचर्स मैंने आपको बताई है रूमर्ड स्पेसिफिकेशन है, कुछ ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है। लेकिन हाँ, आगे चल के अगर कुछ ऑफिशियली कन्फर्म होता है मी बैंड 7 के फीचर्स, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को इधर सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तरफ से
दिया गया है छोटा सा अपडेट। आपको पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कुछ इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।